गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो आपको वेरिएबल दिया होता है उसकी पावर 1 होती है। उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट इसमें आगे दिया आपको टू वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स यूज करने हैं। नॉर्मली जब भी हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हम अकेला x यूज़ करते हैं, और अगर दो वेरिएबल यूज़ करने होते हैं तो x एंड y दोनों यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 2x plus 3y is equal to 4। यहाँ पर देखिए आपको x की पावर भी 1 दे रखी है और y की पावर भी 1 दे रखी है। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 11, ये भी क्या होगा? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? x और y दोनों की पावर कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, और ये इन टू वेरिएबल्स भी है। तो ये दो एग्जांपल्स जो हो गए वो गए लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स के। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कोई जनरल फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स होंगी उसको हम हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 करते हैं, उससे आपको ये जनरल फॉर्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें उन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक नोटबुक दे रखी है और एक पेन दे रखा है। एक तो दे रखी है नोटबुक और एक दे रखा है पेन। अब वो कहते हैं ये जो नोटबुक की कॉस्ट है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से क्या है? ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट कर लूँगा, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक वो है रुपीज वाई। आप दोनों को अलग अलग मान लीजिए, एक की कॉस्ट एक्स मान लीजिए और एक की कॉस्ट वाई मान लीजिए। अब इन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। देखिए हमें ये जो वाई दे रखी है ये कॉस्ट दे रखी है नोटबुक की, और एक्स दे रखी है कॉस्ट पेन की। अब हमें क्या करना है, इन्हें कंपेयर करना है, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें देखिए नोटबुक की जो कॉस्ट है वो डबल है किसके मुकाबले, पेन की कॉस्ट के मुकाबले। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए जो छोटा है उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो छोटा है उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मान लीजिए एक जो है 100 रुपीज़ का है, दूसरा 50 रुपीज़ का है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें कौन बड़ा है, 100 बड़ा है। अब मुझे इन दोनों को अगर बराबर करना हो तो मैं क्या करूँगा, 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। यहाँ देखिए आपको एक x दे रखा है एक y दे रखा है। x जो है कॉस्ट ऑफ अ पेन और y जो है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। अब देखिए इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें मैंने कहा जो नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसके मुकाबले, पेन के मुकाबले। तो इसका मतलब ये जो है नंबर ये छोटा है और ये बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब इसको इधर ले आइए तो कितना आएगा, माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी। आप लोग एक बार ध्यान रखना, एग्जाम में कहीं नहीं लिखा था आपको किसको एक्स मानना है किसको वाई मानना है। अगर मान लीजिए एग्जाम में लिखा है कि पेन को वाई मानना है नोटबुक को एक्स मानना है तो आप वैसे ही कर आइएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर।
अब देखिए आपको हिंट दे रखा है इन्होंने, हिंट में इन्होंने कहा है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज एक्स, तो हमें क्या करना है नोटबुक की जो कॉस्ट है उसे एक्स मानना है और पेन की जो कॉस्ट है उसे वाई मानना है। आप अपनी तरफ से कुछ ही मान सकते हैं, अगर एग्जाम में लिखा आता है ना कि आपको इसको एक्स मानना है इसको वाई मानना है तो हम क्या करेंगे उसको उसी के अकॉर्डिंग कर कर आएंगे। अब देखिए अब पहले कंपेयर करो, ये नोटबुक की कॉस्ट है पेन की कॉस्ट है, इनमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, कितना बड़ा है ट्वाइस है, तो मैं क्या करूँगा जो छोटा वाला है उसमें टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको इधर ले आओ तो एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो है हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में इन्होंने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ए एंड बी एंड सी इन ईच केस। इसे फर्स्ट केस में आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 5 के ऊपर बार। अब देखिए इसको आप कैसे करोगे, पहले आपको क्या करना है इसको इससे कंपेयर करना है, फिर आपको क्या करना है ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कंपेयर करते वक्त आप ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स वाई और कॉन्स्टेंट वाली टर्म जो है वो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में क्या है इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, हम ये सारी की सारी टर्म्स इधर ले आएंगे, तो आएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे x के साथ a है और यहाँ पे x के साथ 2 है तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पे y के साथ b है और यहाँ y के साथ 3 है तो b आ गया 3, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस 9.35 के ऊपर बार, तो ये हमारी a b और c की वैल्यू आ जाएगी। हमें कंपेयर करना है यहाँ पे x के साथ a है, x का ऑप्शन क्या है a, यहाँ पे x ऑप्शन क्या है 2, तो जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो b किसके बराबर आ जाएगा 3 के, विदाउट वेरिएबल मतलब कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है माइनस 9.35 के ऊपर बार और यहाँ पे विदाउट x y मतलब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है c, तो ये c की वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमें दिया है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, तो अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको सबसे पहले क्या लिखना है ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वी गेट, क्या आएगा देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 1/5 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b आ गया माइनस 1/5, यहाँ पे विदाउट एक्स वाई क्या है c और यहाँ विदाउट एक्स वाई क्या है माइनस 10, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10। आपको कंपेयर करना है x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a किसके बराबर आ गया 1 के, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है माइनस 1/5 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है b, तो b आ गया माइनस 1/5, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे माइनस 10 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 1x माइनस 1/5y ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात है, आप सीधा भी कंपेयर करके आंसर लिख सकते हैं।
अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में मैंने बोला है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वी गेट, क्या मिलेगा? यहाँ पे एक्स ऑप्शन दिया है ए, यहाँ पे एक्स ऑप्शन दिया है माइनस टू, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट दिया है बी, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट दिया है थ्री, यहाँ पर कांस्टेंट सी और यहाँ पर कांस्टेंट दिया होगा, इसको आप इधर ले आइए, कितना आएगा माइनस सिक्स। हमें क्या करना है, पहले सिक्स को इधर ले आना है, फिर हम क्या करेंगे उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर लेंगे। अब फोर्थ पार्ट है, x इज इक्वल टू थ्री वाई, आप इसको इधर ले लीजिए तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमें कंपेयर करना है इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। अब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है माइनस थ्री। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है c और यहाँ पे आपको कांस्टेंट दे ही नहीं रखा, तो हम क्या ले लेंगे इसको 0, जो सी टर्म आपको मिसिंग लगती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 0 होती है। अब इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई, मैं एक साथ लिख देता हूँ दो तीन पार्ट। सिक्स पार्ट है थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सेवन पार्ट है वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और एट पार्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए आप इनको कैसे क्या करेंगे, इनको किस तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, मतलब हम क्या करना है a b और c की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे इस 5 बाई को इधर ले लीजिए, माइनस 5 बाई को जब आप इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस 5। अब इससे कंपेयर कर लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो क्या आ जाएगा a किसके बराबर आ जाएगा 2 के, b किसके बराबर आ जाएगा 5 के, और c किसके बराबर आ जाएगा 0। तो a 2 आ गया, b 5 आ गया और c क्या आ गया 0। अब इसको हमें क्या करना है ax plus by plus c is equal to 0 से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे y वाली टर्म है ही नहीं तो हम उसको क्या मानेंगे 0 मानेंगे, मतलब y का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है 0, तो b आ गया 0, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है c और ऊपर कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो a 3 आ गया, b 0 आ गया और c कितना आ गया 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 7 पार्ट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए आप लोग एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ए और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे जीरो मान लेंगे, जो सी टर्म मिसिंग होती है उसको हम क्या मानते हैं जीरो मान लेते हैं। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए है, ऊपर एक्स वाली टर्म है नहीं तो इसका मतलब उसको क्या मानेंगे जीरो मानेंगे।
तो ए आ गया जीरो। नीचे बी का वाई का कोएफिशिएंट क्या है, बी, और ऊपर वाई का कोएफिशिएंट क्या है, वन। नीचे कांस्टेंट नंबर क्या है, सी, और ऊपर कांस्टेंट नंबर क्या है, माइनस टू। तो ए जीरो आ गया, बी वन आ गया, और सी आ गया माइनस टू। अब इस वाले पार्ट में चलते हैं, आप इस टू एक्स को इधर ले आइए, तो आएंगे माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, माइनस टू एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो से। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ए और यहाँ पर माइनस टू, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, बी, और यहाँ पर नहीं रखा तो जीरो आएगा, कॉन्स्टेंट क्या है, सी, और ऊपर क्या है, फाइव। तो ए आ गया माइनस टू, बी आ गया जीरो, और सी आ गया फाइव। तो आज हमने अभी क्या किया है, हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी किसकी, लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर वन होती है। सेकंड, आपने इसकी जनरल फॉर्म देखी, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो, और फिर हमने क्या किया, उससे कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करना सीखा।